डॉक्टर हिना, यू हैव 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने लाजमी पूरे करने हैं। तो जब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, इट्स अप टू यू, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद पैनल डिस्कशन, और फिर हम बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनकी तरफ जाएंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो ओवर टू क्या यू, बिलाल थैंक्स अशरफ वेरी साहब मच मौजूद हैं डॉक्टर यहाँ पर? हिना। मैं इसकी जानना चाहती हूँ कि क्या बिलाल अशरफ साहब भी मौजूद हैं? जी बिलाल साहब, आप आपसे पहले के मौजूद हैं यहाँ पे अपने बच्चों के जी साथ? मैम, मैं हाजिर हूँ मैम, बल्कि बहुत हम शुक्रिया, थैंक तंदुरुस्त है, यू, हम आपको सुनना बहुत चाह रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है डॉक्टर साहब, शुरू करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका पैनल भी पूरा आ गया, बोदला साहब भी, अभी डॉक्टर अख्तर बोदला साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, तो आप शुरू कर लें। मैं किताब के हवाले से बात करूं अपनी, जिस हवाले से आज की हम ये मीटिंग या ये एक सेशन कर रहे हैं, तो हरियुप्या नॉवल है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। वैसे तो अपनी किताब पर बात करना बजाते खुद ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि खुद से आप अपनी किताब के बारे में बताएं कि इसमें क्या है। तो बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोग वैसे इसको जानते हैं कि हड़प्पा की तारीख पर और हड़प्पा की तहजीब पर एक मरबूत अंदाज में मैंने कोशिश की है कि उसको कहानी के अंदाज में यहाँ पर हम इस नॉवल में मैं पेश कर सकूं। और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों की जिन्होंने मेरी मदद की, इमरान जाफर साहब की खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ, और बहुत से लोग जो मेरी मदद करते रहे, हड़प्पा म्यूजियम में जो वहाँ के क्यूरेटर हैं या जो म्यूजियम की इंतजामिया थी उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। उन जगहों पे मैं जाती थी और बस बैठ जाती थी और उस चीज़ को महसूस करती थी। तो दरअसल ये जो नॉवल है ये मेरे उन महसूसात को कह लें या उस तखयल को कह लें जो वहाँ मैं देखती थी और सोचती थी कि यहाँ पर कभी किसी ज़माने में किस तरह से लोग आबाद होंगे और किस तरह की एक बस्ती होगी या किस तरह का एक शहर होगा जो अपने ज़माने का बड़ा मॉडर्न शहर था, और वहाँ के लोगों की बहुत सी चीज़ें, वहाँ का निकासी आब का निज़ाम और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमसे कितने ज़्यादा मॉडर्न कह लें या हमसे कितने ज़्यादा तहजीब याफ्ता थे जिन्होंने इतना एक शानदार किस्म का शहर बसाया। फिर शहर तो बस जाते हैं और फिर उस शहर के अंदर जो लोग होते हैं उनके हवाले से ये चीज़ बड़ी काउंट करती है या मैटर करती है कि वो लोग उस शहर को कैसा रहने देते हैं, उसमें कितना अमन कायम करते हैं। या मेरा जाती ख्याल है कि आफात ज़रूर रही होंगी या बहुत सारे अवामिल कार फरमा रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर भी ऐसा रहा होगा कि जिसकी वजह से शहर को जवाल आया या वो ख़त्म हुआ। तो ये एक पूरी तहजीब थी जो सफ़ा हस्ती से मिट गई, लेकिन इस तहजीब के नकूश आज भी बाकी हैं जो हमें बताते हैं कि ये यकीनन किसी ज़माने में बड़ी कोई शानदार बस्ती होगी या शानदार शहर होगा, जो आज भी जिसके नकूश को ज़माना नहीं मिटा पाया, वक्त के साथ वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाई। आज भी आप जाएं तो हड़प्पा को जब आप देखें और उसको रीइमेजिन करें, सोचें, तो आपको आज भी उसी तरीके से वो लोकेटेड जो हाउस हैं या घर घर हैं जिस तरह वो बने हुए थे, दो मंजिला, एक मंजिला, और उनकी कैटेगरीज के किस तरह से, कहाँ कौन सा तबका था, कहाँ पर कारीगर मौजूद हैं, कहाँ पर काम करने वाले हैं और कहाँ पर जो शहर के अच्छे तबके के लोग हैं वो रहते हैं, वो सब चीज़ें आपको आज भी, मतलब मेरे तखयल की आंख से देखें तो आज भी आपको वो सब चीज़ें नज़र आती हैं। अब म्यूजियम में रखे हुए हर हर नवादरात की या हर हर चीज़ की एक अपनी कहानी है कि वहाँ रखी हुई जो चीज़ है, जी बत्ती से निकलने वाले मोती भी हैं, तो वो भी मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी कहानी सुना रहे हैं। और मैं कभी कभी बैठ जाती थी ज़मीन पर और हाथ रख के महसूस करती थी कि अच्छा ये वो ज़मीन है या ये वो धरती है इस पर हजारों साल पहले का इंसान रहा करता था। तो आज तो वहाँ टीले हैं और कुछ नहीं है, मुनहदिम है सब कुछ, लेकिन उन टीलों के अंदर अगर झांकने की कोशिश करें, कोई ऐसी कोई बातनी निगाह हमें मिल जाए कि हम मिट्टी के नीचे उस मिट्टी के पर्दे को हटा के देख सकें, तो बड़ी कोई शानदार तहजीब है जो ऐसे झरझराती हुई उठ के खड़ी हो जाती है मिट्टी के अंदर से। तो मैंने हड़प्पा के बारे में पढ़ा,
देखा, सुना, बात की, लोगों से मिली, वो सब कुछ जैसे जैसे मैं इकट्ठा करती जा रही थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं इतना कुछ जज्ब नहीं कर पाऊंगी और इसको मुझे कहीं लिख देना चाहिए, कहीं महफूज कर देना चाहिए, ताकि और कुछ नहीं तो हमारे बच्चे इन सब चीज़ों को जान सकें। अच्छा, एक बड़ा मसला यहाँ पर ये भी आता है कि हिस्ट्री के हवाले से अगर वैसे बच्चों को लेक्चर दिया जाए या बताया जाए, इमरान साहब इस बात की तायद करेंगे, तो वो बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होता है कि अच्छा आप क्या सुनने बैठ गए हैं, तारीख है तो ठीक है, गुजर गई है, जमाना है, खत्म हुआ। लेकिन वही तारीख जब हम बच्चों को थोड़ा सा दिलचस्पी के साथ बताते हैं या थोड़ा एक कहानी की शक्ल में बयान करते हैं, तो कहानी तो इंसान की सरिश्त में है ना, मतलब आप बचपन से कहानी सुनकर बड़े हुए हैं अपनी नानी से, दादी से, तो वो चीजें फिर आपको बड़ा फैसिनेट करती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, अपील करती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हड़प्पा की कहानी सुनाई जाए। तो फिर इसमें बहुत सारी चीजों में, जाहिर है इसमें फिक्शन मौजूद है, और जाहिर है ये फिक्शन है, इट इज अ नॉवल नॉट अ हिस्ट्री बुक, तो इसमें बहुत कुछ फिक्शन है, बहुत सारे किरदार फिक्शनाइज किए गए हैं, कहानी को बहुत सी जगहों पर फिक्शनाइज किया गया है। तो फिर मैंने उसको एक कहानी की शक्ल में हड़प्पा को बयान किया कि देखिए किसी जमाने में ये इतना शानदार शहर हुआ करता था और ऐसे इसकी तिजारत थी, ऐसा लेन देन था, ऐसा बाजार था, और इस तरह के लोग होते थे जो एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल के रहते थे। मतलब वो हड़प्पा की कहानी है जो मुख्तलिफ किरदारों के जरिए, मुख्तलिफ मनाजिर के जरिए और मुख्तलिफ चीजों के जरिए सुनाई गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो एक चीज सबसे ज्यादा अनहोनी है वो वक्त है। वक्त मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझती कि वक्त का जो एक वक्त पानी की तरह बहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त का एक दायरवी घुमाव है। ये आगे की तरफ नहीं जाता, बाजू कहती है पीछे की तरफ भी जाता है, ये दाएं भी है, ये बाएं भी है, ये ऊपर नीचे हर तरफ। वक्त का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जाल है जिसमें हम सब मुकीद हैं। तो थोड़ा सा खोजने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, तो एहसास होता है कि हमारे हर तरफ वक्त का एक, वक्त की एक ऐसी बंदिश है जिसने हम सबको बांधा हुआ है। तो उसी बंदिश पर या उसी उन्हीं लहरों पर अगर तैरते हुए पीछे की तरफ सफर करें तो फिर हमें पता चलता है कि कितनी शानदार तहजीब एक पीछे गुजरी, और फिर फ्यूचर की तरफ देखें तो भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप थोड़ा सा रीइमेजिन या आप कह लें कि थोड़ा सा गेस कर सकते हैं चीजों को। तो थोड़ा आप इसे कह सकते हैं कि ये मैंने वक्त को देखने की कोशिश की कि उस जमाने का वक्त कैसा रहा होगा। अब ये सब क्योंकि फिक्शन भी है, कुछ मेरा तखयुल है, कुछ हिस्ट्री है जो मैंने मुख्तलिफ जगहों से पढ़ी और मुख्तलिफ हवालों से लोगों से डिस्कस किया, बात की, इंटरव्यूज भी लिए, नोट्स भी लिए, और फिर जाके उन सबको गूंद कर एक कहानी की शक्ल में और मुजस्सम किया एक नॉवल की शक्ल में और फिर उसको प्रेजेंट किया। थोड़ा कहानी कहीं कहीं पर इतनी आप कह लें कि इसने मुझे इतना खपाया कि जाहिर है इतनी दूर माजी में मुझे देखना था तो मुझे बहुत छोटी छोटी चीजों को नोट करना था या बयान करना था। तो मैं ये भी सोचती थी कि अक्सर के जो कुमेल है, अगर उसका उसके पाँव में एक पत्थर से ठोकर लगी है तो फिर वो उसका पाँव जख्मी हो गया है, लेकिन वो सिर्फ पाँव तो नहीं जख्मी हुआ, साथ जूता भी होगा जो फट गया होगा, खराब हो गया होगा। तो फिर मुझे उस जूते के लिए भी सोचना पड़ता था कि अच्छा उस वो जूता कैसा रहा होगा। तो इमरान साहब यहाँ हैं, वो इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं फिर उन्हें मैसेज करती थी कि सर उस जमाने का जूता किस तरह का होगा, कुछ मुझे थोड़ा सा बताइए कि मैं उसे इमेजिन कर सकूं, उसको बयान कर सकूं। ये तो ठीक है वो यकीनन लेदर का होगा, ठीक है वो चमड़े से बना होगा, लेकिन किस किस्म का हो सकता है, मुझे थोड़ा उसके बारे में जरा अगर कुछ आपके पास है तो मुझे बताइए। तो फिर ये उसको ढूंढ ढांड के कहीं से पुराने वक्तों के, और किस तरीके से हाथ से सिले हुए जूते होते थे, और वो उसको मुझे ढूंढ के भेजते थे कि मैडम इस तरह की कोई ये तस्वीर या इस तरह की चीज कोई हो सकती थी जो उस जमाने में लोग पहनते होंगे। तो फिर वो बस आप कह सकते हैं कि इस तरह थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी कड़ियां जो थी वो जुड़ती गईं जुड़ती गईं और बस एक कहानी बनती गई। और कहानी कहने में तो हम अदीब वैसे बड़े मुशाक होते हैं, तो कहानी एक थी जो बनती चली गई बनती चली गई, और उसके बाद फिर उसको एक नॉवल की शक्ल में मैंने पेश कर दिया।
मजीद इसके बारे में जाहिर है बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स भी आए, बहुत सा वक्त अजीब भी था बीच में, मुझ पर भी कुछ थोड़ा मुश्किल वक्त गुजरा और मेरे वालिद साहब चले गए। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं ये नॉवेल लिख रही थी। तो मैंने बहुत चीज़ों से सफ़र किया उन दिनों में। मैं फिर एक अलालत थी जो मुझ पर तारी रही और बड़ी तवील थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो साथ साथ चलती रहीं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे खुद अपने अंदर भी देखने का मौका मिला। मैं सिर्फ नॉवल नहीं लिख रही थी, फिर मैं अपने अंदर भी सफ़र कर रही थी। यानी मुझे महसूस हो रहा था कि दर्द क्या चीज़ है, इंसान जब तकलीफ से गुजरता है तो तकलीफ कैसी होती है, दर्द कैसा होता है, खास तौर पर जब आपके अपने बिछड़ते हैं तो क्या एक कैफियत है जो आप पर तारी होती है। और फिर आप उस चीज से, मेरा ख्याल है, जिंदगी भर नहीं निकल पाते, लेकिन वो बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो मिलती गई और जिन्होंने मुझे मेरी सोचने की सतहीपन को कह लें कि खत्म किया। और मैं चीजों को बहुत गहराई से देखने लगी। मुझे महसूस हुआ कि जब यहाँ जो लोग रहते होंगे, ठीक है, लेन देन होता होगा, तिजारत होती होगी, बहुत सारे मामलात हैं, शादी ब्याह, मेले भी सजते होंगे, वो उन सब चीजों का तो नॉवल में बयान है, लेकिन वो जो एक इसमें इमोशंस हैं, उन वो उस वक्त ऐसे थे कि जिन चीजों से मैं खुद सफर कर रही थी। और जाहिर है हम अदीब जब किसी चीज से गुजर रहे होते हैं, लामहाला वो चीजें हमारी तहरीर में आ जाती हैं। तो मुझे अभी भी, मैं आज नॉवल को थोड़ा सा दोबारा देख रही थी, तो कुछ हिस्से मुझे इसके बड़े तकलीफ दे महसूस हुए, और उन्हें पढ़कर मुझे फिर वही तकलीफ अपनी याद आनी शुरू हुई, वही दर्द और वही चीजें जिनसे मैं उन दिनों सफर कर रही थी। तो बस ऐसा है कि नॉवल मैंने बहुत लिखा, बहुत लिखा, और अब तक काफी कुछ लिख चुकी हूँ। 6-7 किताबें, 6-7 चीजें हैं क्रेडिट पे, और बहुत सारे अफसाने हैं, बहुत कुछ है लिखा हुआ, तो काफी कुछ है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भी रास्ते में हैं। लेकिन ये है कि ये नॉवेल उन सबसे ज्यादा मुझे अपने दिल के करीब महसूस होता है। तो मजीद मैं इस हवाले से अब चाहूंगी कि इससे ज्यादा कोई तख्लीकार अपनी तख्लीक पर कितनी की बात कर सकता है। तो अब मैं चाहूंगी कि पैनल बात करे, आप सब बात करें, और हिस्ट्री को, हाँ, टॉपिक पर दो बातें अगर मैं कर पाऊँ तो, जो हमारे इस सेशन का है कि फिक्शनाइज करना हिस्ट्री को, वो कैसा है, उस पर मुझे मिली जुली आरा मिली। कुछ लोगों को लगा कि कहीं मैंने ये नॉवल लिखकर कहीं हिस्ट्री को ठेस तो नहीं पहुंचा दी है, मैंने तारीख को कोई जबरदस्त किस्म का नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। तो मुझे नहीं लगता, वो तारीख जिससे हमारे बच्चे आगाह ही नहीं है, जिसका उनको पता ही नहीं है, और वो हड़प्पा को जाते हैं और देखते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद एक अमूमी सा बयानिया ये है वहां के बारे में कि इस शहर पर या इस बस्ती पर अजाब आया था, और उसके बाद इन सब के साथ जो कुछ हुआ वो किसी अजाब का नतीजा है। तो मैं इस चीज को खत्म करना चाहती थी कि अजाब वगैरह कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, कुदरती आफात हैं तो वो तो आती रहती हैं, और जाहिर है पाकिस्तान पर बहुत सारी कुदरती आफात आती रहीं, हड़प्पा के लोगों पर भी आफात आई, और एक दफा नहीं कई दफा आई, और वो इतने जरी किस्म के लोग थे कि उन्होंने हर दफा खुद को रीबिल्ड किया। और मुझे लगता है कि वो कोई मादूम नहीं हो गए थे, वो खत्म नहीं हो गए थे, ये आज भी वो लोग वहां मौजूद हैं, उन्होंने खुद को रीबिल्ड किया। वो जब चले जाते थे, जाहिर सैलाब की वजह से, वो फिर आते थे, फिर आबाद होते थे। ये एक ऐसा सफर था जिससे वो बार बार सफर करते रहे। तो वो बच्चों के जहन से उस चीज को खुरचना या खत्म करना, या लोगों के जहन से इस इबरत के बयानिए को निकालना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपनी सी कोशिश की। बुनियादी तौर पर ये एक शनाख्त का सफर था, ये अपनी रूट्स तक पहुंचने का सफर था कि हमारी जड़ें, मैं नहीं समझती कि हम भी कहीं अरब से आए हुए लोग हैं, या यूरोप से, या कहीं से, या अंग्रेजों के साथ, हम यहीं के लोग हैं, हमारी जड़ें इसी मिट्टी में हैं, हम यहीं पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए। तो अपनी उन जड़ों तक पहुंचना, उनको खोजना, उन रूट्स तक पहुंचने के लिए मुझे ये सफर करना पड़ा।
कि हमारा ताल्लुक इस धरती के साथ कितना मजबूत है। और ये जो लोग जिनके बारे में एक अमूमी सा बयानिया है कि इन पर अजाब आया और ये खत्म हो गए, नीस्तो नाबूद हो गए, उस चीज को खत्म करना कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो हम ही में से थे, हम ही हैं और हम ही में से वो लोग थे, और वो कोई ऐसे लोग नहीं थे। अच्छा, फिर मजहब को लेके भी बहुत सी एक डिस्कशन है कि वो तो इस तरह के थे, वो उस तरह के थे। जाहिर है वो हजारों साल पुराने किस्से हैं और हजारों साल पुरानी एक तहजीब है, और उनका अपनी कुछ चीजें थी, और मजहब के हवाले से कोई बहुत क्लियर एक कॉन्सेप्ट उस जमाने में नहीं था कि ऐसा कि उनका क्या मजहब रहा होगा। उन बहुत सारी चीजों को खालिस्तन एक इस्लामाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, या एक तासुब की निगाह से देखना, या किसी और किस्म के फतूर के साथ उसको जोड़कर देखना, तो ये एक ज्यादती है जो हम फिर उनको अपने से अलहदा करके कहेंगे वो लोग और हम लोग। तो मैं समझती हूँ कि वो और हम कोई अलहदा अलहदा नहीं थे, वो हम ही थे जो वहां पर भी थे, और वो हम ही हैं जो अब भी मौजूद हैं। और मुमकिन है एक मुस्तकबिल है जिसके आगे जाहिर है एक बड़ा सा पर्दा है, 20 वक्त मुस्तकबिल है में कल को आने वाले लोग भी मुमकिन है हमारे बारे में इसी तरह के गुमान करें कि वो ऐसे लोग थे और वो वैसे लोग थे, तो वो भी हम ही होंगे जो मुस्तकबिल में खड़े होंगे। तो खैर, ये वक्त का एक बस घुमाव है, और कुछ ऐसी चीजें थी जिनको मैंने बयान करने की इस नॉवल में कोशिश की। मेरा ख्याल है अब थोड़ी अगर डिस्कशन हो जाए तो हम इस पर मजीद बेहतर बात कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक सवाल आया हुआ है, मैं कर लूं अभी अगर आप मुझे फ्लो में, जी, क्योंकि प्लीज बात प्लीज की हुई है। प्लीज अच्छा डॉक्टर, प्लीज इना प्लीज। जो आपने ये बड़ा अच्छा जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया राइटिंग का अपना, तो मुझे याद है टॉइन बी ने जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री पे जब काम किया, तो उसने कहीं लिखा बाद में कि ऐसा हुआ वो एंशंट टाइम्स की हिस्ट्री लिखते हुए कि कई दफा मैं अपनी जो एग्जिस्टेंस थी ना उसकी कॉन्शियसनेस मैं भूल गया, उसको जब इमेजिन किया पास्ट हिस्ट्री को, तो उसमें कई दफा मेरे मेरे साथ ये हुआ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये इसको इमेजिन कर रही थी, आपकी इमेजिनेशन जाहिर है उसी के बलबूते पे आपने लिखा है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपको? बहुत शदीद हुआ तजर्बाद इसके हवाले से बहुत कोई, मैं ज्यादा माजरत के साथ की कोशिश करती हूँ डिस्कशन ना हो इस चीज पर, लेकिन अब जरा बात से बात निकल रही है तो ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं नहीं, आपको पता है कि मैं कितना अवॉइड करती हूँ और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी और वैसे भी, तो अब बात निकल रही है बात से बात। तो ये बड़ी अजीब बात थी उन दिनों कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि जैसे मैं सोते जागते उठते बैठते, वो मैं खुद भी एक और कैफियत में थी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कुछ अजीब दिनों से गुजर रही थी, वो तकलीफ के भी थे, वो दर्द के भी थे, वो बहुत अजीब दिन थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं कहीं खत्म हो गई हूँ और मेरे अंदर मैं किसी और एक बस्ती के अंदर रहने लगी हूँ। मतलब मैं सो भी रही होती थी तो मेरे सब कॉन्शियस में या मेरे जहन में हरियुपिया होता था, और मुझे लगता था कि मैं उस बस्ती के अंदर मौजूद हूँ और मैं किसी कुम्हार के साथ बैठी हूँ और वो बर्तन बना रहा है, और मैं किसी कांसी से बर्तन बनाने वाले शख्स के पास मौजूद हूँ, मैं सचमुच अभाया के साथ हूँ, मैं समारा के साथ सफर कर रही हूँ। और यकीन मानिए ये कैफियत इतनी कोई शदीद होती थी कि मुझे इसमें, आपने अगर नॉवल पढ़ा हो या जिन लोगों ने पढ़ा हो जानते होंगे कि इस पर छोटी छोटी कोटेशंस हैं, हर चैप्टर के ऊपर एक छोटी सी कोटेशन है। तो मैं जब उठती थी बाज़ू का नींद से तो मेरे जहन में और कुछ नहीं रह जाता था, बस वो बात रह जाती थी, तो वो मैं उसको फौरन अपनी किसी डायरी पे या कहीं लिख लेती थी। अब वो बात, वो जाहिर है इस पे फिर बहुत सारी कोटेशंस हैं जो इसमें ऊपर टाइटल के तौर पर मौजूद हैं, हर चैप्टर के ऊपर है एक कोटेशन है, वो दरअसल उस वक्त का नतीजा थी। यानी मैं जब उन लोगों के दरमियान में होती थी और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते थे, वो बातचीत कर रहे होते थे, तो वो डायलॉग्स और वो चीज़ें मेरे जहन में रह जाती थी और वो मैं उठ के उनको नोट कर लेती थी। कहानी मैंने बुनी है, जाहिर है हर तख्लीकार बुनता है कहानी को, लेकिन इसमें कहानी में बहुत कुछ ऐसा है कि जो मुझे खुद महसूस हुआ कि मैं उन लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ। एक दो मंजर ऐसे हैं कि जब वो कुमेल जो है वो भट्टी के पास ये सब लोग मौजूद हैं और बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं कि वो किस तरीके से कांसी से बर्तन बना रहे हैं,
वो छोटा सा बच्चा है और वो बार बार भट्टी के पास जा रहा है। जाहिर है उसको वो बड़ा क्यूरियस है, वो देखना चाहता है कि किस तरीके से भट्टी के अंदर धात को पिघलाया जा रहा है और एक सांचे में डाला जा रहा है, और उसकी बहन जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो बार बार गाने का उसको खींच रही है कि कहीं गिर ना जाए या कहीं आग से झुलस ना जाए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मंजर में वही कहीं मौजूद हूँ और मैं लपक के उस बच्चे को पकड़ना चाहती हूँ कि कहीं वो आग में जल ना जाए। तो ये एक तकलीफ कार के इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। वाह, बहुत जबरदस्त। तो डॉक्टर स्नोबर, ओवर टू यू। आप अब डिस्कशन अपनी शुरू करें, और डॉक्टर अख्तर रसूल साहब भी हैं, बोदला साहब भी, इमरान के मैना साहब भी हैं, और तीसरे साहब नहीं हैं, सज्जाद अजहर साहब नहीं। तो बस ठीक है, आप हैं, आप चलाइए। मेरा ख्याल है डॉक्टर रविश नदीम है हमारे साथ, मैंने देखा था उनको, तो आप उनको भी ले सकती हैं बाद में। तो अब सर तो ये हैं जी, रव, सर रवि रविश सर हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी मुझे आवाज आ रही है, क्या मैं शुरू करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आप शुरू करें। एक तो हिना बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको इस प्लेटफॉर्म पे देख के, और बहुत ज्यादा मुबारक हो आपको अपने नॉवेल के लिए। और यकीनन ये बहुत बड़ा टास्क था, जितना आप बता रही हैं उससे यकीनन ज्यादा बड़ा है। क्योंकि हम नॉवल पढ़ने वाले लोग हैं, फिक्शन पढ़ने वाले, तो हमें शायद जो उसका अंदर नॉवल का वो किसी नॉवल निगार पर कैसे गुजरता है उसका हमें आइडिया है। अच्छा है ना, जिसको आपने जी सनोबर, बात जी कीजिए जी डॉक्टर साहिबा। जी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि आपने इस नॉवल से पहले जो है वो कई अफसाने भी लिखे। अच्छा, अब मेरी कम इल्मी है कि मैं आपके अफसानों में से कुछ पढ़ नहीं सकी, मैंने आपके अफसाने नहीं पढ़े, तो मुझे बताइएगा कि एक तो ये कि आपने क्या अफसाने क्या रसाइल में छपे हैं या किताबी सूरत में मौजूद हैं, दूसरा ये कि वो जो आपने अफसाने लिखे हैं उनमें आपका आपकी स्टोरी लाइन क्या रही है? क्या वो ऐसे ही तारीखी मौजूदात पे रहे हैं या समाजी मौजूदात पे रहे हैं, कहानी बेस्ड हैं, अलामत में हैं, किस तरह से? बहुत शुक्रिया स्नोबर साहिबा। जो अफसाने मैंने लिखे वो डॉक्टर अनवार अहमद का आपको पता होगा, उनका रिसाला वो पीलहू निकाला करते थे। तो जिस वक्त एमफिल में थी तो तब मैंने अफसाना और लिखना शुरू तब ही कर दिया था, एमफिल में ही कर दिया था, बल्कि एमफिल से पहले ही थोड़ा सा शुरू कर दिया था। तो एक तो संगत शाह मोहम्मद मरी साहब का शुमारा हमारे पास आता होता है, तो संगत में लिखा करती थी अफसाने, कुछ उसमें छपे, कुछ पीलहू में छपे, और कुछ अफसाने मेरे कॉलेज का जो हमारा मैगजीन था, साहिवाल मैगजीन, साहिवाल के नाम से है वो कॉलेज मैगजीन, तो उसके लिए, क्योंकि मैं खुद उसकी एडिटर भी होती थी और मुझे उसको रन भी करना होता था और बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट भी करना होता था, तो मुझे जाहिर है वो हमारे पास बहुत सीनियर लोगों के अफसाने नहीं आते थे, तो फिर मुझे एक आध अपनी तरफ से कोई कहानी घड़ के कह लें कि उसके साथ लगानी होती थी। अच्छा, उनके मौजूआत ज़्यादातर समाजी मौजूआत थे, और तबकाती कह लें, समाजी कह लें, अमूमी मौजूआत थे, वो हिस्ट्री में उनमें से कोई नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि जिसको मैं कहूं कि कोई हिस्ट्री के हवाले से काम हो, वो ऐसा नहीं था। मुझे बताएं रीना, कि हम जानते हैं कि जब भी कोई लिखने वाला अपना पहला नॉवल लिखता है तो वो अमूमन अपने इनफरादी या जाती तजुर्बात पर लिखता है, वो मैं का सीगा इस्तेमाल करता है, उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है, या वो मैं के साथ अपने समाजी जो हालात है उनको जोड़ कर लिख लेता है। लेकिन आपने अपने पहले नॉवल में भी एक बहुत बड़ा जो है तारीख का पीरियड लिया है, और बहुत बड़ा और बहुत ही मुश्किल लिया है, तो यानी कि आपने पहले उसमें एक बड़े रिस्क के साथ आपने एंट्री की है, तो मुझे उसकी वजह बताइए, आपने इतना बड़ा क्यों किया, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया या इतना बड़ी कोशिश क्यों की? अच्छा, इसकी वजह ये है, दो तीन चीज़ें हैं इसके पीछे। एक तो ये कि मैं क्योंकि साहिवाल में मौजूद हूँ, और हड़प्पा जो है वो मेरे हस्बैंड का आबाई गांव है, और जाहिर है वो लोग वहाँ पैदा हुए, उनके घर, ज़मीनें वगैरह वो सब वहाँ हैं, तो हमारा हड़प्पा बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है, मूमन रहता है रूटीन में।
तो मेरा बहुत ज्यादा जाना म्यूजियम होता था, मुझे वो जगह अपील करती थी, या आप कह लें कि मुझे वो वहां जाना अच्छा लगता था। और मैं जब वहां जाती थी तो वहां पर मैं म्यूजियम से ज्यादा, म्यूजियम तो जाहिर रट चुका था, देख देख कर इतनी दफा देखा है, और अभी भी मैं उतनी ही दिलचस्पी से वहां जाती हूँ और देखती हूँ उसको। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी लगती थी या अपनी तरफ खींचती थी वो वहां के वो टीले हैं, वो बयाबान सी जगह है, और जिसके बारे में शुरू में तो हमें जो घर की बड़ी औरतें हैं या बड़ी बूढ़ियां कह लें, वो कहा करती थी कि वहां नहीं जाना, और वहां जाने से तुम्हें कुछ आसेब लग जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा और कुछ वैसा हो जाएगा, जैसे कि अमूमन खंडरात वगैरह के बारे में मशहूर होता है। तो जितना आपको जिस चीज से रोकते हैं, मेरा ख्याल है इंसान की सरिश्ते है कि फिर वो उतना उस चीज की तरफ तो ज्यादा भागा चला जाता है। तो जितना ज्यादा रोका जाता था तो उतना ही ज्यादा मेरे मेरे अंदर वहां जाने का शौक बढ़ता था। तो फिर घर वाले म्यूजियम जा जा के भी उकता चुके थे, वो मुझे कहते थे तुम्हें म्यूजियम ही पसंद आता है और कोई जगह नहीं अच्छी लगती है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरी मेरी जगह वहां पर है या मुझे वो अच्छा लगता है। तो फिर ये होता था कि अक्सर वो लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना फन कर रहे हैं, वो मुझे छोड़ देते थे। मैं उन्हें कहती थी मुझे यहाँ छोड़ दो और उसके बाद आप लोग अपना एंजॉय करें, लेकिन आप लोग मुझे यहाँ छोड़ दें। उसके बाद फिर मैं बड़ी देर तक वहां पर कुछ दरख्त ऐसे हैं, आपने तो साइबल कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ विजिट किया, अगर आपने हड़प्पा का हमारे साथ मेरा ख्याल है किया होगा विजिट, तो वहां पर आपने वो कुछ दरख्त देखे होंगे, वो बड़े मिस्टीरियस और अजीब से हैं, और मेरा दिल करता था कि मैं वहां बैठूं काफी देर और फिर मैं इमेजिन करूं। और मैं बैठती थी और बैठते के साथ ही मुझे मेरे तखयल में वो चीजें जिंदा हो जाती थी, मुझे ऐसे लगने लगता था कि सचमुच यहाँ पर कोई भेड़ बकरियां हैं, यहाँ पर कोई बैल है, एक बैल गाड़ी जा रही है और उसको कोई भगाए लेके जा रहा है। और फिर वो वहाँ के जो क्यूरेटर थे मोहम्मद हसन साहब थे और कुछ लोग वहाँ पर जो है, तो फिर जब उन्हें लगता था कि मुझे दिलचस्पी है तो मुझे और किस्से सुनाते थे और बातें बताते थे कि ऐसा कुछ इस तरह का मिला है, कुछ इस तरह का मिला है, अब कोई चीज ऐसी मिली है, कुछ इमरान साहब हमारे शौक को और हवा देते थे और कुछ इस तरह की किस्से बातें, तो उनसे उन इन चीजों को बहुत ज्यादा महमीज मिली। फिर मुझे लगा कि मेरी अपनी जात तो कहीं भी नहीं है, जब हम बहैसियत इंसान हम तो बहुत आर्जी और बहुत थोड़ी देर के लिए है ना यहाँ पर। मेरा नहीं ख्याल कि 60-70, बल्कि तो 60-70 साल भी कहाँ होते हैं, तो बहुत थोड़ी सी जिंदगी या थोड़ा सा वक्फा है जो हम यहाँ गुजारते हैं और उसके बाद फना है। और फिर इस नॉवल में भी वो आप देखेंगे कि वो एक चैप्टर है फना से जंग के नाम से, तो उस फना से पहले पहले इंसान जो कर गया है वही चीज अमर हो जाती है। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो कहीं नहीं हूँ, और ये लोग जो इतना कुछ कर गए और इन्होंने इतना काम किया कि आज तक हजारों साल पहले से लेकर आज तक वो ईंटें तक मौजूद हैं जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई, तो इन चीजों पर क्यों ना लिखा जाए, इन्हें क्यों ना सामने लाया जाए, अपने हड़प्पा को क्यों ना रोशनास कराएं, लोगों को क्यों ना दिखाएं कि देखो हमारे पास कितनी शानदार चीज है। तो जैसे बच्चों को शौक होता है कि हमारे पास एक बड़ी शानदार किस्म की चीज है या चॉकलेट है या कैंडी है, तो मुझे तो समझ लें कि हड़प्पा इसी तरह लगता है कि हमारे पास, मतलब मेरे कोई मेहमान भी आते हैं, कोई बाहर से लोग आते हैं मुझसे मिलने, तो मेरी कोशिश होती है, मैं उन्हें कहती हूँ कि आए चले आपको हड़प्पा दिखाती हूँ, तो मेरे घर वाले भी अक्सर कहते हैं कि तुम मेहमानों को कहाँ ले जाती हो, तो मुझे लगता है कि हमारे पास दिखाने की यही चीज है। तो ये मेरी हड़प्पा से एक जाति कुर्बत कह लें या मोहब्बत है। दरअसल हड़प्पा आपके जाती तजुर्बे का एक हिस्सा है, इसलिए आपने हड़प्पा को किया। अच्छा मुझे ये बताइए ना कि आपके नॉवल से पहले एक बड़ा अहम नॉवल जो है वो मुसलसल हुसैन तारड़ का है बहाओ, और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी हड़प्पा के करीब करीब है, उस पे सरस्वती है आपकी तरफ इरावती है, और उसके भी जाहिर है कि तारड़ साहब जो है वो बहुत ही सीनियर हमारी फिक्शन निगार है, तो उन्होंने बड़ी महारत से उसको लिखा है और कोई कमी खामी उसकी तरफ नजर नहीं आती। मैं थोड़ा सा समझ रही हूँ, थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ। बाकी क्वेश्चन मुझ मैं थोड़ा अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि स्नोबर साहिबा मुझसे क्या पूछना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सवाल मुझसे करते थे कि कहीं आप क्या तारड़ साहब के नॉवल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई हैं और उसके बाद आपने ये नॉवल लिखा, या ये इस नॉवल को लिखने का ख्याल आपको बहाव को पढ़कर आया। बहाव को तो हमने बहुत पहले कभी पढ़ लिया था, मतलब हम लोग जब अपने इस डिपार्टमेंट में इस शोबे में आते हैं तो जितने भी क्लासिक्स हैं
हैं वो तो बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, तो वो तो बहुत पहले पढ़ा जा चुका था। फिर इसके ऊपर बहुत से जामियात में थीसिस हुए कि कंपैरेटिव स्टडी, डॉक्टर ताहिरा इकबाल साहिबा के नॉवल हड़प्पा के साथ भी कंपैरेटिव स्टडी और बहाओ के साथ भी कुछ जगहों पर हुई, तो वो टाइम पीरियड तो बिल्कुल मैच करता है। लेकिन उसमें जो तारड़ साहब हैं उनकी एफिलेशन ज़्यादा मोहनजोदाड़ो के साथ रही, तो उन्होंने मोहनजोदाड़ो को ज़्यादा फोकस किया और उस पर ज़्यादा लिखा। हड़प्पा कहीं कहीं आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता, या उस तरह से नहीं आता कि जैसे मैं चाहती थी कि हड़प्पा भी सामने आए या हड़प्पा पर भी बात हो। बेसिकली तो अभी इमरान जाफर साहब इस पर बात करेंगे कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो एक्चुअल तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और ये सब चीज़ें इसके मराकज़ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हम देखें तो हमारे पास हड़प्पा जो है वो किसी से कम तो नहीं है। और यही मेरा मकसद था कि जो इतना बड़ा एक एसेट हमारे पास है और जिसको हाईलाइट होना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि अब तक मैं समझती हूँ कि इस पर लिखा जाना चाहिए था या कोई उठता और इस लिखता, तो उस तरह से इसकी नुमाइंदगी आप सभी अहले अदब यहाँ मौजूद हैं, हड़प्पा के उस पीरियड की या उस तारीख की उस तरह से नुमाइंदगी मुझे नहीं नजर आई कहीं पर भी। तो फिर मुझे लगा कि ये कहानी मैं ही क्यों ना सुनाऊं। तो पहले मैं ये समझती थी, मेरा इरादा था कि मैं इसको अपने सिर्फ बीएस के स्टूडेंट्स के लिए या एमए के स्टूडेंट्स के लिए रखूंगी और इन्हें बच्चों के लिए एक बनाऊंगी इसके इसका एक स्केच। लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि बच्चों के लिए ही क्यों, ये तो हर शख्स के लिए, हर उस शख्स के लिए जिसको तारीख में, तहजीब में, कदीम जमानों में दिलचस्पी है, तो ये तो हर उस शख्स के लिए होना चाहिए। फिर मैंने इसका कैनवस थोड़ा बड़ा किया और उस पर ज़्यादा गहराई से काम शुरू किया कि मुझे लगने लगा कि अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अब इस पर ज़्यादा फोकस करके काम करना होगा। तो तारड़ साहब का नॉवल ज़ाहिर है पढ़ा, और वो हमारे बड़े अदीब हैं, बड़े शानदार अदीब हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी के बाद भी जब मैंने वो थीसिस वगैरह कुछ बच्चों के देखे, तो जिन लोगों ने दोनों नॉवल पढ़ लिए हैं कम से कम वो तो नहीं कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कहीं पे भी मिलते हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ नॉवल है, इसकी इसका प्लॉट भी बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसका जो वो स्पेसिफिक जगह है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जब ये जाहिर है जो लोग पढ़ेंगे वो इस पर ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू सुन के और जवाबात सुन के। मैं अब अख्तर साहब को ये वो सवालात करें, वो तारीख के प्रोफेसर हैं तो वो तारीख के मुतालिक से अच्छा डॉक्टर जी। साहब, अख्तर शुक्रिया, साहब थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, और डॉक्टर हिना आपको बहुत मुबारक। इट वाज एक्चुअली ए ग्रेट टू नो अबाउट योर वर्क एंड योर थीसिस, एंड इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज मैं तो चूंकि हिस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, लेकिन चूंकि साहिवाल का जब हुआ तो माई लाइफ वॉज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इन गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दैट कॉलेज, एंड प्रोफेसर मिर्जा मुइन, मे बी यू हैव हर्ड हिज नेम। तो हमारे बहुत काबिले एहतराम प्रोफेसर हैं और हमारे जी बहुत आप कह हमारे गाइड कह लें। जी बस मेरे भी वो गाइड थे, उन्होंने मुझे जो है वो जरा संजीदा लिटरेचर की तरफ और चीजों से जो है वो रोशनास करवाया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो उससे ऑनवर्ड फिर मेरा वो हिस्ट्री का, तो मेरा चूंकि बचपन से एक पैशन था, और मैंने बाई चॉइस हिस्ट्री पढ़ी है, और मैंने बाई चॉइस ही जो है वो इसी शोबे में मैं रहा हूँ। तो मैं इस पे, मुझे एक तो मैंने जब इस पे रिसर्च किया तो बुक कॉर्नर से ये पब्लिश हुआ था, तो आई हैव आस्क माय लाइब्रेरियन के वो एक तो इनकी कॉपी हमारे लिए मंगवा लें, और लेकिन वो बाद में मुझे आपकी सॉफ्ट कॉपी मिली, तो मैंने बहुत तफसील से नहीं, लेकिन मैंने उसको स्क्रोल डाउन करके आई जस्ट यू नो, क्योंकि मेरा ये था कि मैंने कुछ उर्दू लिटरेचर चूंकि वो 97 से ऑनवर्ड उसको पढ़ रहा हूँ, तो वो जितने संजीदा चीज़ें काम हैं वो मैंने पढ़े हुए हैं। तो इसको पढ़ते हुए जो मुझे अंदाज़ा हुआ, पहले मैं थोड़ा सा नॉवल पे जो मैंने थोड़ा सा इसको समझा है उस पे थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू करता हूँ, फिर मैं वो लिटरेचर और हिस्ट्री पे 2-4 मिनट बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये था कि मुझे मेरे लिए ये और भी ज़्यादा मेरे लिए बिल्कुल यही जो आपकी आप चाहती थी, शायद मेरी भी ये विश थी कि हड़प्पा के ऊपर पर्टिकुलरली हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है लोगों को दिखाने के लिए। और इससे पहले अभी फ्यू डेज अगो उसामा सदीक का मैंने वो स्निफिंग आउट मून जो उनका नावल है
वो मैंने मेरे हाथ लगा तो मैंने वो कराची से खरीदा, उसको मैंने पढ़ा तो उसका भी पूरा जो स्टार्ट है वो बेसिकली वो मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो आग का दरिया जो क्लासिक्स में से है, उसमें भी ये जो मिडिवल पीरियड है उसको समहाउ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिपिक्शन ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया और साउथ एशिया यू कैन फाइंड इन दोज नॉवल्स। तो जब मैंने आपका नॉवल स्टार्ट किया और उसके मतलब उसको देखा तो मुझे एक अच्छी फील ये आई कि क्योंकि जो आपने बात की ना कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम पड़ गया है। उसमें बहुत सारी जो है वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन वो हड़प्पा यूं लगता है पिछले कई 40-50 साल से कि वो पीछे जा चुका है। दूसरी एक रीजन जो मुझे इसने फैसिनेट किया, मैं इसको तफसील से पढ़ूंगा और एंड आई होप कि आई वुड राइट समथिंग ऑन योर सेमिनल वर्क। और उसमें जो दूसरी इसमें मुझे जो बात खूबसूरत लगी वो लैंग्वेज है इसकी, कि उसमें वो पर्शियन की बजाय वही जो यहाँ की इंडिजिनस लैंग्वेज है उसका असर मुझे, और मुझे लगता है कि ये अगर आपका ये स्टाइल है तो दैट्स रियली ग्रेट, और अगर आपने कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ ये किया है तो ये भी एक नया ट्रेंड हमारे लिए है कि खास तौर पे जो हमारी पर्शनाइज और अरेबिसाइजेशन एंड पर्शनाइजेशन हुई है वो जिसने हमारी लैंग्वेज तक को मुतासर किया है बड़े एक प्लान के तहत। तो एक तो वो इसमें एक इट्स लाइक आपको मजा आता है पढ़ के, उसको छोड़ने को दिल नहीं करता। तो ये एक बात उसमें थी। दूसरा जहां तक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है हड़प्पा के बारे में, तो आई वुड एड ओनली वन थिंग, उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हड़प्पा के बारे में, सिंस आई हैव बिन टीचिंग एंशियंट सिविलाइजेशन फॉर क्वाइट सम टाइम इन कायदे आजम यूनिवर्सिटी, तो सबसे कम एंड आई हैव सर्च्ड ऑन द मोस्ट एक्सपेंसिव एकेडेमिक सर्च इंजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द बुक्स रिगार्डिंग हड़प्पा, कोई काम नहीं आपको मिलता। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आज तक आपने इस पूरी सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है वो डिसाइफर ही नहीं हुई, तो इसलिए इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ जो है वो गैस वर्क के ऊपर है, क्योंकि जब तक आप उसकी लैंग्वेज को डिसाइफर नहीं करेंगे, व्हाई वी नो मोर अबाउट इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन एंड हेटियंस एंड ऑल दोज विच वर एक्चुअली फ्लॉरिश्ड इन मिडल ईस्ट एंड दोज एरियाज, बट मैनी स्कॉलर्स दे हैव यू नो मेड एविडेंस, दे प्रेजेंटेड द एविडेंस दैट दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मच मोर एंशियंट देन दो सिविलाइजेशन। ठीक है जी, इनका एक आपस में कनेक्शन था। आप देखें कि जितनी हड़प्पा की जो सील आपने जिक्र भी किया उसमें वो जो मोहरे हैं वो सील्स आपको वहाँ की एक्सकवेशन में मिली है, वो आपको इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिली है, वो आपको मेसोपोटेमिया में मिली है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बीइंग ए हिस्टोरियन इस चीज़ को इस तरह टेकअप करता हूँ कि देखिए दुनिया में जो सिविलाइजेशन का आगाज है उस पे अब हमारे पास बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। द वर्ल्ड एक्चुअली आज से 12,000 साल पहले, 13,000 साल पहले यहाँ पे 6 किस्म के इंसान रहते थे। देर वर 6 टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग इन दिस प्लानट, और होमोसेपियन यानी कि हम लोगों ने उन सबको खत्म किया। उसके बाद एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है, उसका जो टाइमिंग है वो 12,000 से 8,000 ईयर्स के दरमियान जो है वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। उससे पहले वाला इंसान बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान था, वो हंटर गैदरर था, वो एक जगह पे नहीं रहता था ना वो किसी एक। तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब ये आया तो उस वक्त इंसान की मजबूरी बन गई कि एक जगह पे रहने। उसके बाद ये सारी सिविलाइजेशंस जितनी भी हैं ये आई। उससे पहले मतलब आज से 20,000 साल पहले ही हम ये नहीं बता सकते कि किसी बड़े लेवल पे कोई एग्रीकल्चर हो रहा था या कोई सिविलाइजेशन या इतने ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे रह रहे, क्योंकि तो सिविलाइजेशन उसी के बाद ये आगाज होता है सिविलाइजेशन का, उसी के बाद ऑर्गेनाइज रिलीजन और उसके बाद ऑर्गेनाइज कल्चर्स जिसको आप आज मतलब हम बहुत ज्यादा सीरियसली टेकअप करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना इनका वो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो जो ना डिसाइफर होने की वजह से ये लैंग्वेज और जो थोड़ा बहुत आपको इस पे काम मिलता है वो आपको इंडियन स्कॉलर्स का मिलता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो
चूंकि एक तो ये महंगा सब्जेक्ट है जो आर्कियोलॉजी है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और सेकेंडली इसके लिए जो है वो आपको काफ़ी सारा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। पुराने कुछ लोग थे, और ये सारा जितना भी काम हुआ हुआ है आपने देखा, ये जॉन मार्शल ही वो एक्सकवेशन करके गया है, उसके बाद हमने कोई इसको एक्सपेंड नहीं किया। वो 50-60 फिट का हमको एरिया एक निकाल लेते हैं, उस पर भी वो चीज़ें लेके बेच देते हैं। तो एक तो मतलब आपके नॉवल में ये हुआ कि ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एक एक क्योंकि देखिए आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक जो और डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि बाकी जगहों पे मिसिंग है, वो डिस्टिंक्टिव फीचर है इसकी कंटिन्यूटी। आपने वो बैलगाड़ी का जिक्र किया है, वो आज भी आपको पता है हमारे पाक पतन साहिवाल के गांव के अंदर आप चले जाएं तो आपको सेम भाई ये रावी की बेल्ट के साथ साथ जितने गांव हैं उनका जो कल्चर है वहां पे औरत कितनी पावरफुल है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी। आज भी आपको गाँव में वो, ये आपको इजिप्ट में नजर नहीं आएगा, ये आपको मेसोपोटेमिया में या ग्रीक में नजर नहीं आएगा। ये चीज सिर्फ आप मसलन हमारे खाना पकाने का तरीका, हमारा तवा जो है, ठीक है, ये बेकिंग से पहले, ये मतलब हमारा जो चूल्हा बनाने का तरीका है घरों के अंदर, ये सारा ये बेसिकली वो वही कंटिन्यूटी। और सेकेंडली जो मतलब जो रिलीजन है, अब मैं आपको बताऊं क्योंकि वो पेट्रियार्की उस वक्त इतनी पावरफुल नहीं थी, क्योंकि जो हंटर गैदरर सोसाइटीज थी जो कि बहुत छोटे लेवल पे थी क्योंकि वो स्कैटर्ड थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पे औरत जो होती थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल और वो गॉडेस का दर्जा रखती थी, बिकॉज ऑफ हर फिजियोलॉजिकल, बिकॉज शी कैन गिव बर्थ टू ए चाइल्ड विच ए मैन कैन नॉट, और दैट्स वाई जो है वो मर्द जो है वो कभी वो उस लेवल पे उसकी लाइफ के मुतल्लक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमेशा अधूरी रहती है, बिकॉज ही हैज नॉट गॉन थ्रू दैट मिरेकुलस और मेटिकुलस एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग ए न्यू लाइफ, यू नो, और प्रोड्यूसिंग ए न्यू लाइफ। दिस इज समथिंग वेरी फिलोसॉफिकल, बट दिस इज द पॉइंट विच वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ए वुमेन स्कॉलर, द वे शी सी द थिंग्स, वो जिस तरह चीजों को मतलब उनका जो इमेजिनेशन होती है। अब दूसरी बात, वो जो बहाव भी मैंने पढ़ा है, बहुत साल पहले पढ़ा है, अब बहाव की लैंग्वेज में मतलब अगर कुछ और भी फर्क ना भी हो, फर्ज करें, मेरा तो ख्याल है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है उसके साथ, तो उसकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज देखे, वो सरकारी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ नावल है, जो पाकिस्तान की सरकारी उर्दू है उसके अंदर लिखा हुआ नावल है, और ये जो है ये पाकिस्तान की सरकारी उर्दू में लिखा हुआ नावल नहीं है, ये शायद अगर वो लैंग्वेज इवॉल्व करती तो ये शायद इसी शक्ल में मौजूद होती जिसमें आपने लिखा है, तो सो इट्स वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो है वो, सो इट्स वेरी गुड कंट्रीब्यूशन एंड आई रियली अप्रिशिएट, और आपको बहुत मुबारक। फिर वो अनवार साहब चूंकि मेरे दोस्त थे, डॉक्टर काजी आबद वाज वन ऑफ माय वेरी ओल्ड एंड वेरी, मतलब मुझे वो नावल पढ़ते हुए यूं लग रहा था जैसे काजी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे साथ ना, क्योंकि मैं उनको हमेशा ये कहता था कि चूंकि हमारा वो इंग्लिश मीडियम में सारा वो यूनिवर्सिटी में वो रहता है, और मैं कहता था कि सर जो बातें अंग्रेजी में हम किसी फिलासफी की किताब में पढ़ते हैं या किसी उनके लेक्चर्स वगैरह अटेंड करते हैं, तो आप उर्दू उस लेवल की कन्वर्सेशन करते हैं शायद कि मतलब मेरी जिंदगी में शायद 2-4 लोग हैं जिनको मतलब मुझे हमेशा से आई फील प्राउड टू इंट्रोड्यूस, और उनका मैं दोस्त होने का जो है वो मेरे लिए एक ऑनर, और एक इट वॉज अ ग्रेट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ देम। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, होपफुली आप इसको जारी रखेंगी और इसको करेंगी। अब मैं सिर्फ 2 मिनट अगर टाइम है तो मैं ये लिटरेचर और हिस्ट्री के रिलेशनशिप पे बात करना चाहता हूँ। देखें, ऑफ कोर्स दिस इज अ लिटरेरी वर्क, दिस इज नॉट ए वर्क ऑफ हिस्ट्री, सिंपल बात है, ठीक है जी। तो इसको हमें हिस्ट्री के वर्क के तौर पे देखना भी नहीं चाहिए, इसको एक लिटरेरी चीज के तौर पे देखना चाहिए, ये एक मास्टरपीस है मेरे हिसाब में। जहां तक हिस्ट्री और लिटरेचर का ताल्लुक है, तो क्लासिकल जो हिस्ट्री की पोजीशन है वो आपको पता है वो बड़ी एंटी लिटरेचर है, वो तो उसको कहते हैं कि जी ये तो बच्चों को सुनाने वाली कहानियां हैं, हिस्ट्री इज वेरी सीरियस थिंग एंड ऑल दैट स्टफ। बट इशू ये था कि पोस्ट मॉडर्निज्म जब आया तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली इवॉल्व एज ए रिस्पॉन्स ऑफ द ओवर एम्फेसिस ऑन मॉडर्निटी एंड रीजन एंड लॉजिक, और ये जो पूरा एक इनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट हम उसको बोलते हैं, जो इनलाइटनमेंट मूवमेंट चली थी जिससे मतलब आई एम वेरी
मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी उम्मते मुस्लिमा सो कॉल्ड में कुछ चले, बट वो सारा उन्होंने रीजंस के ऊपर और परफेक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के ऊपर काम किया, वो दुनिया को बिल्कुल उन्होंने तब्दील कर दिया। तो उसके नतीजे में अगर आप देखें तो हिस्ट्री का थोड़ा सा कि अगली एक आध सदी के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए जब वो रीजन के ऊपर ओवर एम्फेसिस हुआ, और उसका जो क्लाइमेक्स था उस पूरी फिलोसॉफिकल डिबेट का वो था कि वो क्लाइमेक्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, विच वॉज यू नो वेरी हॉरेंडस। आप उसको वो एक खौफनाक इंसानों के ऊपर एक वक्त गुजरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसके बाद जो फिलोसफर्स थे खासतौर पे फ्रेंच फिलोसफर सैमन डी बोवार और जहाँ पाल सार्तर, इन लोगों ने जो है वो फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म और यहीं से फिर वो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एक रिबेलियस उन्होंने चैलेंज किया उन तमाम मेटा नैरेटिव्स जिनको हम बोलते हैं। तो ऑल दोज मेटा नैरेटिव्स ऑफ इनलाइटनमेंट वर चैलेंज जिसमें ये सारा कुछ, और उसमें फिर ये लिटरेचर की बहस आई। अब आप ये देखें कि सादत हसन मंटो का, अब बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हैं हिस्ट्री के वो इस बात को मानते हैं कि अगर कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर है, जैसे सादत हसन मंटो की स्याह हाशिए, मेरा ख्याल है उससे बेहतर पार्टीशन के अंदर जो कुछ हो रहा था उससे बेहतर हिस्ट्री कौन लिख सकता है कि उसने 3 लाइनों के अंदर 4 लाइनों के अंदर ये बात लिख दी कि एक जब बलवे हुए तो एक घर टूटा वहां से, एक दुकान टूटी वहां से बोरियां लोग चोरी करके ले गए, तो शाम को पता चला कि पुलिस जो है वो वहां पे छापे मार रही है जिन्होंने वो चोरियां की हैं। तो एक बंदा जो है वो अपनी बोरियां पुलिस के डर से गुड़ की बोरियां उसने कुएं में फेंक दी, जब वो दूसरी बोरी फेंकने लगा वो खुद भी अंदर चला गया। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली और उसके बाद कुछ अर्सा उस कुएं से मीठा पानी आता रहा, और आज वहां पे एक मजार है और उस मजार पे लोग आते हैं यहाँ पे मीठा पानी इसकी गिरने से निकला था। तो देखिए लिटरेचर जो है वो फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच जो है वो लिटरेचर को इस तरह के, खास तौर पे लिटरेचर को जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स के ऊपर प्रोड्यूस हुआ हुआ होता है उसको तो अभी बहुत सारे स्कॉलर एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री टेक अप करते हैं, और इसलिए मतलब इसको आप हिस्ट्री के सोर्स के तौर पे हरिओपिया को नहीं देख सकते, बट हरिओपिया विल ऑब्वियसली हेल्प यू इमेजिन व्हाट एक्चुअली हरिओपिया वाज और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। तो उस पे जितना ज्यादा लिटरेचर होगा दिस इज एन ओपनिंग, ये आप समझें कि ये आपका, आपने एक ट्रेंड सेट किया, अब बहुत सारे लोग आएंगे, पीपल विल कम अप विद न्यू इमेजिनेशन विद न्यू स्टोरीज विद न्यू थिंग्स। तो उससे जो है वो ये हाईलाइट भी होगा, और हमारा जो चूंकि वो पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि जब हम ज्यादा हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो बेचारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहीं गुम ही हो जाती है, उसको फिक्स इन करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर हम तो शुरू करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, और कम से कम ये तो ठीक कर लो कि इस्लाम उससे पहले भी यहाँ पे था। तो वो सिंध को खुश करने के लिए उसको गेट ऑफ द इस्लाम दारुल क्या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वो बनाने के लिए उन्होंने, वो बलूचिस्तान में कब से इस्लाम था, हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में बहुत पहले से इस्लाम था। तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज अ ग्रेट एफर्ट, और लिटरेचर और हिस्ट्री के बारे में अब मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि वो क्लासिकल में तो वो नहीं, बट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर या पोस्ट मॉडर्न जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है या हिस्टोरियोग्राफी है उसमें प्रॉपर एक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत एक सिग्निफिकेंट उसका रोल है जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर या उसकी जो क्रिटिक होती है उसको, क्योंकि देखें ये ऊपर जाके जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म और अभी पोस्ट मॉडर्निज्म में तो आप देखें कि जो जॉक डेरिडा लाइक डीकंस्ट्रक्शन उसका जो पूरा एक फिलॉसफी है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास भी आ रही है, लोग उसको उसके बारे में जानना शुरू हो रहे हैं। तो आई होप के ये वाली जो एफर्ट्स हैं ये इन चीज़ों को कंबाइन करेंगी, क्योंकि नॉलेज कोई, उसमें कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है जो नॉर्मली क्लासिकल पोजिशन में लोग सोचते हैं, अब दुनिया मल्टी डिसिप्लिन रेरिटी की तरफ जा रही है। तो वो वही स्कॉलर और वही जो लिखने वाला है वही कामयाब होगा जो जिसके पास मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ नॉलेजेस होंगे और वो उनको कंबाइन करके जो है
वो चीजों को आगे लेके जाएगा। तो सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई फील प्राउड कि हमारे इलाके से इतने जबरदस्त स्कॉलर्स जो हैं वो निकले हैं, और बजाय कि कोई और आके हड़प्पा पे लिखता, आपने ये लिख के जो है वो इट्स रियली ग्रेट फॉर अस। सो कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक नाउ डॉक्टर साहब आप अब इसको कंडक्ट करें, आगे कैसे करना। बहुत शुक्रिया. मुझे थोड़ा सा नॉवल के जबान के हवाले से आपने बात की, तो उसके हवाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी कि कुछ जगहों से इस पर ऑब्जेक्शन की सूरत में भी ये बात की गई कि इसकी जबान बिल्कुल मैंने बदल दी और इसको मुझे आसान जबान में करना चाहिए था. यहाँ तक कि मेरे पब्लिशर मुझे अक्सर कोई वॉइस मैसेज लोगों के भेज देते थे कि देखें जी फलां लोग कह रहे हैं कि उनको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं उन्हें कहती थी कि आप उन्हें कहीं उनके लिए है भी नहीं. तो सीधी सी बात है कि जो एक अदब का कारी है वो एक तरबियत याफ्ता शख्स है. मतलब हर कोई उठ के कहना तो नहीं चाहिए अब यहाँ पर, हर कोई उठ के मेरा ख्याल है उमैरा निमरा वगैरह को तो पढ़ सकता है, लेकिन अदब की तहरीर पढ़ने के लिए उसको बहुत कंपोज होना पड़ता है, उसकी एक तरबियत एक ट्रेनिंग होनी जरूरी है. तो फिर मैं उन्हें सिंपल यही जवाब देती थी कि उन्हें कहें कि उनके लिए नहीं है. तो खैर जो जबान की बात है वो मैंने इसमें खुद से एक एक्सपीरियंस किया. सही किया या गलत किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने खुद से एक थोड़ा सा जबान को इसमें ब्लेंड करने की कोशिश की. उसकी वजह ये थी कि मैं क्योंकि एक बहुत पुराने कदीम जमाने को दिखा रही थी, और मुझे एक वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में मैं यहाँ लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ाती रही, और मैं थोड़ा सा जबान के हवाले से जब बच्चों को एक हमारा लेक्चर होता था हिंद आर्यी जबानों पर, और जाहिर है उर्दू भी एक हिंद आर्यी जबान है, जी और फिर जब उर्दू की रूट्स को ढूंढने के लिए हम पीछे की तरफ चलते थे और हिंद आर्यी जबानों की बहुत सारी जबानों से गुजरते गुजरते हम द्राविड़ी जबानों और बहुत सारी जबानों तक जाते थे, तो फिर अंदाजा होता था कि जो इस खित्ते की जबानें हैं जो बिल्कुल बहुत पुरानी या कदीम है, तो वो तो अरबी और फारसी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. और जाहिर है इसका बड़ा वाजह सबूत उर्दू जबान है कि उर्दू को हम कहते हैं हिंदी के साथ एफिलेट कहीं कहीं करते हैं और चीज़ों को, तो हमने तो दानिस्ता कोशिश की ना कि इसमें हम अरबी और फारसी के बहुत सारे अल्फाज डाल के और इसे हिंदी से बिल्कुल मुख्तलिफ बना दें, हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो दोनों जी जबानों का एक ही जैसा है. तो वो जो एक कोशिश थी उसमें फिर वो संस्कृति अल्फाजों को मैंने कोशिश की, क्योंकि संस्कृत जो थी जाहिर है वो संस्कारों की जबान थी, एक यस संस्कृति का एक बड़ा तबका मौजूद था जो उसको बड़े उसे ओन करता था. फिर मैंने कोशिश की कि संस्कृति के भी कदीम अल्फाज, या अगर मुझे लफ्ज नहीं मिलते तो मुझे कोई उस उधर की कदीम आवाजें मिल जाए, जैसे वो कुछ हुक्कारी आवाजें हैं, कुछ चिड़े वगैरह के साथ की आवाजें हैं, या कुछ इस तरह की आवाजें जो मखसूस उस जमाने के साथ बिलोंग करती हैं. तो फिर मैंने कोशिश की कि दानिस्ता तौर पर, अब इस पर ये थोड़ा मुझे ऑब्जेक्शन भी किया गया, बहुत से लोगों ने कहा कि आपने इसकी जबान का क्या किया, तो फिर मैंने कहा कि मुझे इस पर लगा कि इस पर यही जबान अच्छी लगेगी, तो वो मैंने दानिस्ता उसमें से, अब वो अच्छा तो नहीं लगता कि वो जो किरदार है वो इतने पुराने कदीम जमाने का कोई किरदार है और वो बात कर रहा हो किसी बहुत ही शुस्ता किस्म की उर्दू में, तो ये तो उसके ऊपर जचना ही नहीं था. तो उस पर जचना ही यही था कि वो बहुत कदीम जमाने की जो लफ्ज हैं या जो पुराने संस्कृति अल्फाज हैं जो बिल्कुल संस्कारों के अल्फाज थे, तो वो उनको इस्तेमाल करे या वो बहुत पुरानी जबान की तरफ जाए. ये एक दानिस्ता इस पे मैंने कोशिश की, और ठीक है कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया कुछ नहीं किया, कुछ कुछ लगा कि इसको बिल्कुल साफ शुस्ता उर्दू में होना चाहिए था, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं नहीं तो मेरा ये ख्याल मेरी है एक यही खैर जाती शुस्ता अपनी वो उर्दू है थी. इसको जो है वो। और एक उसमें सॉरी मैं एक पॉइंट भूल गया था, वो आपने जैसे वो एंड पे वो सैलाब का जो जिक्र किया, उस पे अब बड़ी इंटरेस्टिंग थेरीज है एक्चुअली द डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। अच्छा अख्तर साहब, उसमें हमारे प्रोग्राम का ना टाइम थोड़ा महदूद है, तो इस पर हम मजीद बाद में बात करेंगे. एक पैनलिस्ट अभी रहते हैं, उन्होंने भी हिना जी, साहिबा से बात प्लीज करनी है. प्लीज ठीक जी है, प्लीज चलिए. बहुत शुक्रिया अख्तर साहब. इमरान साहब मौजूद हैं यहाँ पर जी? इमरान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर. मैम ठीक आपका टाइम है, आप बात करिए कहते हिना हैं। साहिबा से, और थोड़ा सा अगर मेरा टाइम ख्याल है अपनी यस गुफ्तगू अगर मैं जरा प्रिसाइज रखेंगे तो ज्यादा अच्छा. आई नो। अच्छा ऐसे है जी कि दो हिस्से हैं, फिक्शन और फिक्शनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री।
मैं ये समझता हूँ कि ये ना एक तरतीब है, हमने फिक्शन से हिस्ट्री ली थी दास्तान गोई से, और वही दास्तान गोई जो है वो फिक्शन से प्रॉपर हिस्ट्री में कन्वर्ट होती है, और जब वो प्रॉपर हिस्ट्री में कन्वर्ट होती है तो अब उसको समझने के लिए हमें फिर दोबारा फिक्शन चाहिए। अच्छा, अब बात ये थी कि दास्तान गोई को ट्रेंड दिया गया हिस्ट्री का, फिर उसकी उसके ऊपर कांट छांट लगाई गई, लिमिट्स लगाई गई कि ये चीज़ हिस्ट्री होती है, इसमें फलां चीज़ें हमने रिसोर्सेज को कलेक्ट करने होते हैं और उसमें एविडेंसेस लेनी होती हैं, फिर जाके ये हिस्ट्री बनती है। अच्छा, वो जब हमने फिक्शन को हिस्ट्री बना दिया तो फिर हमें हिस्ट्री समझ नहीं आ रही थी, तो अब उसको समझने के लिए फिर दोबारा ज़रूरी हुआ। अब इसमें अब वर्ल्ड के अंदर आप पूरी में देखते हैं कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं इनफैक्ट वो यही कर रही हैं कि वो अपनी हिस्ट्री को फिक्शनलाइज कर। आप इजिप्ट की बात कर लें, आई थिंक मोर देन 90 मूवीज जो है वो उसके ऊपर हॉलीवुड की बनी, बहुत ज्यादा किताबें तो कितनी ज्यादा लिखी गई होंगी और उनको स्टोरी की शक्ल दी गई। अच्छा, सेम हुआ कि हमें लगता है मोहनजोदड़ो के ऊपर आ जाए, आप मूवी बन गई, भाव आ गया तो मोहनजोदड़ो आ गया, हमें लगा सरस्वती है और इरावती बीच में से निकल गए। अच्छा, हो ये रहा है हमारे यहाँ ओवरऑल कि हिस्ट्री को प्रॉपर वे में, जैसे सर डॉक्टर साहब ने भी कहा, बोदला साहब ने, कि हमारी हिस्ट्री पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से जो मैचिंग का इशू आया वो उसने हमें रोका बहुत सारा। अब इशू ये है कि मैम ने जो इस पे ऊपर काम किया वो क्या डिपिक्शन हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, या उस खित्ते की जो हमारा खित्ता है उसकी पूरी एक तरह से उसको पूरा सिनेरियो उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये एक क्रेडिट है मैम डॉक्टर हिना साहबा को कि इन्होंने जो किरदार है वो सरस्वती से उठाए और उनको इरावती पे लाके बैठाए। अब जब सरस्वती से इरावती तक आ पाते हैं, जब आप वो हाकड़ा रिवर से रावी पे आते हैं, इनफैक्ट जो जो नहीं जानते कि सरस्वती क्या है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ना जानता हो, लेकिन सरस्वती जो पुराना अब उसका नाम हाकड़ा है और वो भी खत्म हो चुका हो, उसके किरदारों को रावी पे हड़प्पा के अंदर लेके आना ये सबसे इंपॉर्टेंट था, और ये दिखाना। अच्छा, अब ये हो भी सकता था कि सरस्वती से अगर आप देखते हैं जहां से उन किरदारों को लिया गया है, मोहनजोदड़ो का फासला भी उतना ही बनता है, तो अब मोहनजोदड़ो को ले जाने के बजाय जब आप हड़प्पा में लेके आते हैं उन करेक्टर्स को, तो इनफैक्ट आप सेंट्रल प्लेस ढूंढने की तरफ आते हैं, बजाय इसके कि आप मोहनजोदड़ो जाते हैं आप हड़प्पा की तरफ आते हैं। एक बात तो तय है दुनिया भर में कि जो पहले किसी सिविलाइजेशन का जो पहला हिस्सा एक्सकेवेट होता है उसको हम निकालते हैं, पूरी सिविलाइजेशन उसी के नाम पे होती है। अब जो क्वेश्चन उठ रहा है कि हड़प्पा पे काम नहीं हो रहा, हड़प्पा को भूल गए हैं और मोहनजोदड़ो पे हो रहा है, तो उसकी एक तो बड़ी आराम सी रीजंस हैं कि हड़प्पा के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो हाथ चढ़ गया ठेकेदारों, जब यहाँ पे पटड़ी बिछाई जा रही, और उससे स्ट्रक्चर खत्म हुआ तो उसके अंदर इंटरेस्ट कम हो गया लोगों, लेकिन जो मोहनजोदड़ो था वो बच गया जब लाइन ट्रेन की लाइन जो बिछाई जा रही उसकी वजह से। मोहनजोदड़ो की विजिट करते हुए लोग फील करते हैं कि यहाँ पे हमें फीलिंग डिवेलिंग की फीलिंग है, हाउसेस की फीलिंग है, गलियों की फीलिंग है, हड़प्पा में हमें वो फीलिंग नहीं। अच्छा, अब देखने की बात यह है कि हमें ज्यादा चीजें कहाँ से मिल रही। अब इसके तो इतने सारे सेंटर्स हैं कैपिटल के, मतलब कैपिटल सिटीज जो हैं वो इतने हैं इंडस वैली के कि आप उनको जब जाएंगे तो फिर जाके आप डिसाइफरिंग की तरफ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अब फिक्शन की हिस्ट्री के साथ जरूरत क्या है, हम इस पे बहस पे नहीं जाते कि हिस्ट्री क्या है हड़प्पा की, हम इस बहस पे भी नहीं जाते कि मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री क्या है। इनफैक्ट ये आइडेंटिफिकेशन है, हमारे खित्ते की शिनाख्त है, हमारी शिनाख्त है, और जब तक इसको फिक्शन में हम नहीं लाते थे, लाते हैं बल्कि अभी भी हम नहीं ला पाए हैं, तो मैम का ये तो एक बहुत बड़ा इसमें हाथ है अब कि अब उन्होंने फिक्शनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ हड़प्पा को अब मरकज बनाया अपनी बात का। तो जब आम एक कारी हिस्ट्री को फिक्शन की शक्ल में पढ़ेगा तो वो उसमें से जो कुछ डिराइव करेगा वो बहुत
डिफरेंट होगा जो हमारी पूरी नस्ल को, कई जनरेशंस को सिलेबस में से नहीं मिला। तो मैम हिना का ये कहना कि उसमें बाकी लोगों का कितना रोल है, वो उतना ही रोल होगा कि जिस तरह से आप जाहिर है हड़प्पा के अंदर तो नहीं जा पा रहे, लेकिन आपको हड़प्पा के समझने के लिए कुछ उन लोगों की जरूरत थी जो इर्द गिर्द मौजूद थे, जो कुछ नॉलेज रखते थे, जो खुद हिस्ट्री के एविडेंसेस के साथ तो नहीं थे लेकिन बहरहाल वो फिक्शन के साथ भी नहीं थे। उनके पास कुछ फैक्ट्स अगर उस लेवल के नहीं होंगे तो इतने जरूर थे कि वो हड़प्पा का तारुफ करवा सकते थे। तो मैम ने उनसे ये नहीं कि वो कोई उनकी बातों को उन्होंने उसके अंदर लाए, इनफैक्ट वो सोचना चाह रही थी कि समझना चाह रही थी कि लिबास है तो वो किस किस्म का होगा। तो वो दोनों पोर्शन थे, उनके हड़प्पा का विजिट, उनका म्यूजियम का विजिट, और फिर अगर कॉलेज में भी उनकी गुफ्तगू होती थी, अगर मेरी भी उनके साथ डिस्कशन हुई है, और वाकई वो इस फेज में थी, मैंने देखा उनको 1.5 से 2 साल, 1.5 साल लगा उनको, जो वो इतने ट्रांस में थी हड़प्पा के मुझे लगता था कि जैसे आप टाइम ट्रेवल करते। अब जो टाइम ट्रेवल है ना, आपको अंदाजा है कि आप टाइम ट्रेवल करके उसी जगह पे चले जाओ। चले ये अभी भी ये फिक्शन होगा हमारे लिए, साइंस फिक्शन कह लें टाइम ट्रेवलिंग का, हो भी सकता है अभी थोड़े अरसे में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैम जो है वो टाइम ट्रेवल में थी, और उन 1.5 सालों के अंदर जो मीडियम था टाइम ट्रेवल का, वो कुछ कोई हिस्ट्री के साथ जुड़े लोग जरूर थे। हाँ, उस टाइम ट्रेवलिंग का नतीजा इस नॉवल की शक्ल में निकला, और इसके जो करेक्टर हैं, उसकी जो लैंग्वेज है, जिस तरह से उन्होंने उनको हड़प्पा की गलियों को घुमाया है, जिस तरह से उन्होंने इरावती से रावी तक का जो सफर है, सॉरी सरस्वती से इरावती तक का वो चलाया है, तो आप ऐसे लगता है कि आप उसी उसी खित्ते में वापस चले। तो बाकी ये बात कि अरे इस पे काम नहीं हो रहा, जॉन मार्शल बहुत पुरानी बात है, मार्क केनियर ने बहुत काम किया है, हमें चूंकि थोड़े दबे भी होते हैं बाहर के लोगों से, तो मैं सिर्फ ये एक बात थोड़ी सी वजाहत हट के जो नॉवल से है कि वाकई हड़प्पा पे जो काम पाकिस्तानियों ने किया है वो शायद जॉन मार्शल और केनेवर ने भी नहीं किया। आप उसमें डॉक्टर मुगल, डॉक्टर रफीक मुगल को अगर आप स्टडी करें, आई थिंक 30 से 40 आर्टिकल्स हैं उनके और पूरे हड़प्पा के ऊपर है कि एक चीज के साथ उन्होंने काम किया है, गनवेरी वाला जो रिसेंटली उन्होंने उसको भी डिस्कवर किया है। तो अगर आप उनके ऊपर जाते हैं, इवन हसन, अब हसन जो अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं, क्यूरेटर हैं हड़प्पा के, हमें चूंकि हमें हमारे मुल्क के हैं इसलिए हमें वो कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं लगेंगे, बड़े आर्कियोलॉजिस्ट नहीं लगेंगे, हमें जॉन मार्शल थोड़ा ज्यादा बड़ा लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है जितने हम्बल वो हैं और जितना काम उन्होंने किया है वो बहुत एक्स्ट्रा है। तो मैम ने उस सारी चीजों को जो जो डॉक्टर मुगल ने, जो जो हसन ने, जो हमारे लोगों ने काम किया है, उन्होंने उनको डिपिक्ट किया है। और मैं समझता हूँ, एक क्वेश्चन आखिर में मैम के लिए छोड़ते जा रहा हूँ, कि अब मेरा ख्याल है इस सारे नॉवल को मार्केट में और लोगों तक पहुंचे 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो रहा है, तो अब मेरा ख्याल है कि उसकी वो जो फीलिंग है उसको अब वो कैसे महसूस करती हैं? जब आप जाहिर है पहली दफा लेके आते हैं ना ऐसी कुछ चीज, तो वो तो लगता है कि अभी पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लोगों को लगेगा कि अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एतराज पता क्या आ रहा होता है कि अच्छा जी ये इसमें फलां चीज दी हुई है, ये तो हड़प्पा में नहीं थी होती। तो मैं समझता हूँ कि फिक्शन पे जब जाते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आपकी हर चीज एविडेंसेस के साथ, आपने बहुत सारी चीजों को आगे भी बढ़ाना होता है, दिलचस्पी भी कार्य के लिए होती है। तो अब मेरा तो आखिरी क्वेश्चन मैम से अब यही होगा कि उन्होंने इसको मार्केट में दिया लोगों के जहान को बदलने के लिए, एक अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो अब वो क्या समझती हैं कि हम वो इससे कामयाब हो पाई हैं जो वो चाह रही थी, और जो मकसद था इसको इसको मार्केट में, क्या लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, या ये एक ट्रेंड सेटर बनेगा, या उसके बनने के लिए मजीद क्या चाहिए होगा? तो अप टू द मैम रीना। बहुत शुक्रिया इमरान जाफर साहब, और आपने बड़े अच्छे से चीज़ों को बयान किया, और आप वही हैं जिन्होंने मुझे इस हवाले से बहुत सी रहनुमाई दी और मेरे लिए बहुत से मुश्किल मकामात को सहल किया और बहुत सी मालूमाती चीज़ों को मज़ीद खोल खोल के मुझे बताया। और मैं आपका ये एहसान बिल्कुल नहीं भूलूंगी इसको, बल्कि मैं एहसान तो नहीं कहूंगी, इसे तो मैं हक समझूंगी
कि आपने मेरी वजह से सेमिनार कंडक्ट कराए, खास तौर पर हड़प्पा के हवाले से कॉलेज में। और जब मैं आपसे कुछ आपकी तरफ कुछ क्वेश्चंस को रोल कर देती थी, तो फिर आप मुझे कहते थे कि अच्छा मैडम ऐसा करते हैं कि फिर एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं, बच्चों को भी बुलाते हैं और थोड़ा सा इस पर काम भी करते हैं, अच्छा है, चले सबके लिए हो जाएगा। और बड़ी आपकी मेहरबानी है ये मेरे लिए। और मैं वहां बैठ जाती थी कॉपी पेंसिल लेकर, और आप की स्लाइड्स पे से चीजें भी देख देख के नोट करती जाती थी, और बाद में आपसे रिक्वेस्ट भी करती थी कि मुझे ये वैसे भी भेज दें सारा मटेरियल, ताकि मैं इसे तसल्ली से बैठ के पढ़ सकूं। तो ये अब जाहिर है उस आप सवाल की तरफ आते हैं कि जब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम अदीब कारीन के लिए तो लिखते हैं, हम लिखने वाले, लेकिन हम उस तरह से कभी भी मार्केट को जहन में नहीं रखते। मेरे साथ जो बाकी यहाँ पर अदीब लोग मौजूद होंगे वो इस चीज को समझेंगे, इस बात को, कि हम हॉट सेलिंग राइटर वगैरह नहीं बनना चाहते। हमें होता है कि हमारी जो फीलिंग्स या जो इमोशंस हैं, जो हम चीजों को देख के महसूस कर रहे हैं, बस वो लोगों के सामने रख दें, ताकि वो भी उन्हें देखें, बढ़े, महसूस करें उन चीजों को। तो मार्केट का जो एक पब्लिशर के दिमाग में या जहन में एक चीज होती है, वो तो हमारे पेशे नजर कभी भी नहीं होती। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब ये नॉवल लिखा गया, तो उस वक्त तो एक बड़ा गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया गया, और खुद मेरे लिए ये बड़ा हैरानकुन था। और मुझे उस वक्त, उससे पहले तक मुझे ये लगता था कि हमारे अदब में हड़प्पा पर उस तरह से काम नहीं हुआ। तो जब मैं ये काम सामने लेकर आऊंगी, तो पता नहीं इसको पजीराई उस तरह से मिलेगी या नहीं, इसको वेलकम किया जाएगा या नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ा एक अच्छा तजर्बा रहा कि बहुत खुश दिली से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से सबने इसको वेलकम किया। इस पर बात हुई, बहुत बात हुई, एतराजात भी हुए, सराहा भी गया, अप्रिशिएट बहुत लोगों ने किया, और छोटे छोटे एतराजात जो थे वो कई वो भी उठते रहे। और लेकिन जो मैं देखती हूँ कि मेरी अपनी जाती राय ये है, क्योंकि अदब के साथ मैं खुद वाबस्ता हूँ, किसी किताब की एक उम्र होती है। बाज़ किताबें होती हैं वो आती हैं और थोड़े दिन उन पर बात होती है या कराई जाती है, और उसके बाद फिर वो ठप हो जाती हैं या वो बंद हो जाती हैं। मेरे लिए ये बड़ा एक दिलचस्प कह लें और एक बड़ा खुश होने का मौका है, या बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव बात ये है, खुशाइंद है कि हर थोड़े दिन बाद एक रिव्यू मेरे पास आ जाता है। हर थोड़े दिन बाद कोई एक नया कारी इसे पढ़ता है और उसको ये महसूस होता है, एक मुश्तरक बात जो सभी लोग करते हैं वो ये है कि हमें ये महसूस हुआ कि हम सचमुच हड़प्पा या हरी यूपिया के अंदर हैं और हम उसको देख रहे हैं। मतलब मुझे इस बात पर खुशी होती है कि जब वो मेरे साथ उन चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं, उस तखयल में मेरे साथ आ जाते हैं। तो हर थोड़े दिन गुजरते हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि एक हफ्ते में ही 2-3 रिव्यूज़ मुझे मिलते हैं। फीडबैक बहुत अच्छा आता है, खास तौर पर हमारे यंगस्टर्स की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आता है। तो वो जो एक बात कही जाती है, किताब नहीं पढ़ी जाती और आखिरी सदी है वगैरह वगैरह, उसको तो मैं कभी भी नहीं मानती। हमारे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत मुताला करते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमसे ज्यादा, हमारे जमाने से ज्यादा हमारे बच्चे ज्यादा बाशऊर हैं, कि वो चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो उनके पास इंटरनेट की अप्रोच है, वो रिसर्च करते हैं, फटाफट चीजों को सामने ले आते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, हर थोड़े दिन बाद एक रिव्यू आ जाता है, और उसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जो कुछ भी नॉवल को पढ़ के महसूस किया होता है, तो वो उस पर बात करते हैं। और फिर बहुत से लोगों को शायद ही अजीब भी लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं उस रिव्यू को फौरन अपनी वॉल पे भी शेयर करती हूँ, और ताकि दीगर लोग भी पढ़ें, उन्हें महसूस हो कि हाँ ये किताब पढ़ी जा रही है और वाकई इसको पढ़ना चाहिए, या इसके जरिए थोड़ा सा अगर झांक कर देख लिया जाए कदीम जमानों की तरफ, तो हमारे पास कैसी कैसी नादिर और नायाब चीजें मौजूद हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा खुद भी अच्छा लगता है। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स तो है जो मुझे अभी तक मिल रहा है, ये तो एक है। शुक्रिया हिना साहब। ओवर टू अब शाहिद साहब। अब बाकी हमारे जो दोस्त मौजूद हैं जो हिना साहब से सवाल करना चाहते हैं, तो उनको इजाजत होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है आप ऐसे करते हैं, एक तो शमाइला का हैंड रेज नजर आ रहा है, जो भी दोस्त सवाल करना चाहते हैं इकट्ठे 2-3 सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब अगर आप ना भी याद रख सके मैं लिख लूंगा। तो डॉक्टर रविश भी हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनसे लेंगे अगर वो हमारे साथ हैं।
जी कोई सवाल जो भी दोस्त करना चाह रहे हैं प्लीज आप 2-3 सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम भी थोड़ा सा हमारा हो गया तो फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे। तो चलें शुमाइला आप तो क्वेश्चन करें, बाकी मीनवाइल अगर किसी का होगा तो हम क्वेश्चन ले लेंगे, वरना डॉक्टर साहब की तरफ से। जी शुमाइला। अच्छा डॉक्टर, ये ना मेरा आपसे सवाल है। आपने बताया कि जब आपने ये नोवेल लिखा था तो आप एक फेज से गुजर रही थी जिसमें ना आप मतलब पेन की कैफियत थी, आपके वालिद साहब जो हैं वो चले गए। मैं पूछना मुझे आपसे ये है कि अगर आप मतलब एक नॉर्मल आपकी जहनी कैफियत होती तो आपको लगता है कि आप इसी स्टाइल में लिखती जो अभी आपने लिखा है? बहुत ज्यादा असर होता है जब आप किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, उस चीज का बहुत असर होता है। मुमकिन है मैं उतनी गहराई से उस तकलीफ को ना समो पाती या लिख पाती जितना मैं उस वक्त, जाहिर है मैं उस कर्ब में थी, उस तकलीफ में थी, तो मैंने उसको महसूस किया और उसके तहत बहुत सारी चीजों को लिखा। ये एक इस नॉवल का एक पार्ट कह लें, मतलब जाहिर है इसमें बहुत कुछ है, इसमें कुछ तारीख के हवाले से है, कुछ कहानी है, मंजर है, बहुत कुछ है, किरदार हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो एक इमोशंस कह लें या जज्बात हैं, और मैं बताऊं तो जाहिर है बहुत से पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, तो मैंने इस नॉवेल को अपनी बेटी को भी पढ़ने को दिया और मैंने कहा कि इसे पढ़ो और देखो कि तुम्हारी मामा ने ठीक भी लिखा है। अच्छा जाहिर है वो बच्ची है और पढ़ती है चीजें, उसका टेस्ट अच्छा है, बहुत कुछ पढ़ती है, तो जब उसने पढ़ा तो वो बीच में रोने लग गई। उसने मुझे कहा कि मामा आपने क्या लिख दिया है, ये क्यों लिख दिया है, ऐसा क्यों किया है। तो फिर मुझे फील हुआ कि अच्छा ठीक है, जो इमोशंस जिनको मैं खुद उस वक्त फील कर रही थी, मतलब कहीं किसी किरदार के साथ अगर कुछ होता था तो बाज़ुकात लिखते हुए मुझे खुद महसूस हो रहा था होता था कि मैं भी रो रही हूँ। यानी जब गाने का के जो बाप है, बासा जो है, उसकी जिस लम्हे मौत होती है, मुझे खुद भी नहीं पता था कि उसकी मौत हो जाएगी। मतलब लिखते हुए हम कुछ भी तय नहीं कर रहे होते पहले से कि ऐसा होगा या इसको ऐसे करना है। ठीक है कुछ चीजें जहन में होती हैं लेकिन सब कुछ नहीं होता, तो वो मुझे भी नहीं पता था कि कहानी एकदम से ऐसा मोड़ लेगी और उसकी मौत हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि शायद उसके साथ अब मैं भी रो रही हूँ। तो कहीं कहीं हम इमोशनली बहुत सारी चीजों के साथ अटैच हो जाते हैं, ऐसा तो होता है। जी और कोई सवाल नहीं है तो फिर डॉक्टर साहब आप हैं, डॉक्टर रविश। उससे पहले मैं मिर्जा साहब से चाहूंगा, मिर्जा साहब ब्रीफ सा कमेंट करें कोई भी जो भी वो कहना चाहें। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब अगर आप जाग रहे हैं और सुन रहे हैं तो प्लीज ओवर टू यू। सर, इस तरह के मैंने गुफ्तगू सुनी नहीं है। मैं और मेरी को मसरूफियत होती है ना, मैं जरा नमाजी भी हूं ना, तो मैं मस्जिद चला गया था, तो वहां से मैं देर से आया हूँ, तो ये मेरे साथ होता ही है। तो जी गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी, लेकिन जो सवालात हुए या जो तौजियात यानी वजाहतें दी गई हैं दो हमारे बुजुर्गों ने, तो वो वाकई इसको बड़ा पुरअर्ज यानी बड़ा बावकत बना देती हैं इस जायजे को। यकीनन इनका काम भी बहुत आला दर्जे का होगा, लेकिन चूंकि मैंने गुफ्तगू नहीं सुनी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मैंने सुना होता तो शायद मैं कुछ कह सकता। जी बहुत शुक्रिया जी सर। बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। अब अच्छा जी, प्लीज मिर्जा साहब। बता, मुझे मुझे जिन्होंने ये नावल लिखा है खातून ने, इनका खुद से, चूंकि मैं उर्दू का आदमी हूं, तो इनकी साफ सुथरी उर्दू से मैं बहुत मुतासर हो रहा हूँ, और मैं साथ साथ सोच रहा था कि ये नॉवेल भी मैं जरूर पढ़ूंगा। जी तो मेरी तरफ से इनको मुबारक है, आप बहुत साफ सुथरी जबान बोलती है, बहुत कम इस तरह की जबान सुनने में मिलती है। जी बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया जी। मसूद साहब, मसूद साहब कीजिए क्वेश्चन, फिर डॉक्टर रविश साहब की तरफ चलते हैं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर सर, साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तख्लीकी अमल बड़ा मुश्किल मरहला होता है, और नावल लिखने के बारे में कहते हैं कि नई जिंदगी को जन्म देने से कम तजुर्बा नहीं है, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मेरा आपसे पूछना ये था कि ये आपने कितनी इसमें मेहनत की, क्या क्या स्टेजेस थी, प्लान कैसे किया, थोड़ा सा तफसील से बताएं कैसे फिर हम वहां तक पहुंचे जहां आज नावल हमारे पास है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि रिसर्च कैसे की, साबिर कैसे साहब, कैसे। मैं डॉक्टर साहब की बात से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मुझे लगता है आपने देर से ज्वाइन किया, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। इसके अलावा कोई और सवाल है मुख्तसर सा तो वो आप कर ले। ये आप गोया फरमाइश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप फिर से सारी कहानी जो है वो बयान करें, तो वो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आपके साथ।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जी सिर्फ प्लानिंग की बात थी। चले ठीक है, जी जैसे आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चूंकि वक्त भी हमारा हो गया, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अवैस साहब, ओवर टू यू, आप कीजिए। चलें, आप मौजूद हैं तो आपकी वजह से हम ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लेते हैं, तो जी, ओवर टू यू। बहुत जी डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया। एक तो डॉक्टर हिना जो हैं हमारे जो नए लिखने वाले हैं, और वो लोग जो जिन्होंने नाम बनाया है अदब के अंदर, उनमें ये टॉप ऑफ द लिस्ट में शामिल है। और इस बात की खुशी होती है कि हमारे यहाँ हर साल बीसों पीएचडी निकलते हैं, लेकिन वो सिर्फ पीएचडी होते हैं, पीएचडी करते हैं और वो जिंदगी में फिर गुम हो जाते हैं। मैडम का जो जज्बा है, इनकी जो काविशें हैं, इनका जो पेन वर्क है, इनका जो एक्टिविज्म है लिटरेरी, वो यानी बताता है कि इनके लिए महज पीएचडी की डिग्री अहम नहीं है, ये जिंदगी में कुछ और करना चाहती हैं, अपना एक तशखुस, अपना अशराक, अपने वो बनाना चाहती हैं। ये बजाते खुद एक खातून की हैसियत से बहुत मार्वलस है। फिर वो जो इलाका हमारा जो जीटी रोड के राउंड अबाउट में है, चूंकि मेरा भी ताल्लुक साहिवाल से, तो वहां से अगर मैं देखता हूँ ऐसी काबिले कदर बासलाइस खवातीन को, तो मुझे यकीन खुशी होती है। और हिना साहबा जो है उन्हीं में से एक है, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद की मुस्तक है और हमारे लिए काबिल फख्र। इनके दो काम और भी हैं जिनकी तरफ जाहिर है कि हमारी तवज्जो नहीं गई, वो दोनों रिसर्च के ऊपर है, खुली तारीख के नाम से, और इससे पहले जो इनका काम आया वो, और वो भी दोनों बहुत डिफरेंट काम है, और इन्होंने उस हवाले से भी रिस्क ही लिया है, क्योंकि जिस जितना बड़ा इन्होंने टॉपिक लिया तो ये भी अच्छा है। अच्छा, ये जो नॉवल है डॉ साहबा का, इसमें जो खूबसूरती है वो ये है कि नई नस्ल में नजरियाती मुबाइस वैसे खत्म हो गई, और ऊपर से पोस्ट मॉडर्निज्म की जो बम्बार्डमेंट है उसने भी चीजों को कुछ ऐसा कर दिया है कि हम एक पोस्ट आइडियोलॉजी नहीं आवाज। दौर में, हम पोस्ट आइडियोलॉजी दौर में जिंदा है और पोस्ट ट्रुथ दौर में जिंदा है। तो अब इस तरह के जो मामलात जो आ रहे हैं वो आइडियोलॉजी को भी पीछे धकेल रहे हैं, और सोचने की जो हमारी क्लासिक जो सोर्सेज हैं या तरीके हैं उनके ऊपर भी ज़द लगा रहे हैं। मसलन इस नॉवल के हवाले से इनकी बहादुरी जो बनती है वो ये बनती है कि उन्होंने जो रियासती बयानिया रहा है 70-75 साल, जो सकाफत के हवाले से, तारीख के हवाले से और शनाख्त के हवाले से, ये तीन बड़ी अहम चीजें मैंने बताई, वो रियासती बयानिया कुछ और बताता है। जबकि डॉक्टर साहबा जो हैं वो उस रियासती बयानिए की हदों को तोड़ती हुई, राजा दाहिर के ऊपर से छलांग लगाती हुई, मोहम्मद बिन कासिम से छलांग लगाती हुई, तो ये पहुंच गई वहां पर जो इलाका ममनुआ रहा है अब तक। तो ये एक अहम है कि इन्होंने जो काउंटर किया है उस सारी चीज को, ये एक बहुत शानदार है। अच्छा, एक और मसला इसमें जो अहम है वो है कि जब नॉवल निगार तारीख के ऊपर लिखना चाहता है तो तारीख का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेता है, 10% लेता है, बाकी 90% उस पर क्रिएट करता है, और वो सारे का सारा जो क्रिएशन है वो तखयल के ऊपर बेस करती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब कारी उसको पढ़ता है तो वो भी फिर तखयल पर ही बेस करता है। इसमें तखयल की सतह पर या इमेजिनेशन की सतह पर एक चीज है जो बड़ी नाजुक है और इंतहाई नागुजीर है, वो है कंटेंट नावल का, फिलोसॉफिकल कंटेंट, या जो कह लें कि नावल निगार की जो फिक्री पोजीशन है वो अहम है। इसमें यह है कि
जब पिछले 70-75 साल से, तो मैंने कह सकता हूँ या मैं पाकिस्तान के बाद से नहीं, उससे पहले ऑलमोस्ट कोई ये पोजीशन जो है 1900 से ली जा रही थी मुस्लिम बुनियादों पर, जिसकी बुनियाद पर बाद में दो कौमी नजरिया बना, और ये फिर अठारह सौ शराख सत्तर और अस्सी से सकाफत और ये सारा कुछ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब ने नॉवल लिखा है, इसके अंदर वो फिक्री पोजीशन क्या ले रही है, वो कंटेंट क्या ले रही है, या फिलोसॉफिकल उनका वो क्या है, जहां पर जो वो मैसेज आगे देना चाहते, इस पे बस बात करते, हम इस पे खत्म करेंगे। यही मेरा कमेंट भी था, यही मेरा सवाल भी था। डॉक्टर साहब, बहुत सर। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आप जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रविश नदीम साहब, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर और बड़े दिन बाद आपसे बात करके। थोड़ी सी बस मैं बात इस हवाले से यहाँ पर ये करना चाहूंगी कि सर के सवाल में ही सर का जवाब पोशीदा था। उन्होंने उस हवाले से शुरू में खुद भी बात की कि हमारे यहाँ शुरू से कुछ चीज़ों के गिर्द एक दायरा खींच दिया जाता है और इलाका ममनू करार दे दिया जाता है, और हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं और सर तो हमारी कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा भी रहे हैं, और जब हम अपने स्टूडेंट्स को भी ले जाते रहे ना, तो वहाँ पर जब बच्चे वहाँ जाते थे तो अगले दिन असातिज़ा उनको कहते थे कि वहाँ क्यों गए, और वो तो इब्रत की जगह है वहाँ जाके। तो वो एक शेर भी है ना अनवर मसूद साहब का, कि इब्रत की जो थी जगह है वो, और वहां से कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब से, तो इब्रत की लेकिन छटाक बरामद ना हो सकी। तो वो उसको बुनियाद बना के कहा जाता था कि भाई वो तो जाए इब्रत है, तुम लोग वहां क्या करने जाते हो, वो वहां जाके तो खौफ नहीं आता, उन लोगों पर कैसा अजाब नाजिल हुआ, और वगैरह वगैरह। तो वो चीज मुझे शुरू से बड़ी हर्ट करती थी और अभी भी करती है। अभी भी अगर कोई ये कहे कि वो तो उन पर तो कोई शदीद अजाब आया और वो अजाब में महसूर हुए लोग हैं, तो वो फिर मुझे तकलीफ होती है कि आफात हमारे पास भी आती हैं, और हम ये तो नहीं कहेंगे कि अभी हालिया जो सैलाब वगैरह आए तो वो कोई कुदरती उन लोगों के कोई गुनाह थे कि उनके ऊपर कोई अजाब वगैरह की सूरत में उन्हें नाजिल किया गया, ऐसा नहीं होता। तो उस थोड़ी सी चीजों उन चीजों को उन बयानियों को तोड़ने के लिए दानिस्ता ये मैंने कोशिश की कि एक्चुअल जो फैक्ट है या जो सचमुच माजी है और जो बहुत खूबसूरत है उसके साथ उनको क्यों ना जोड़ा जाए। मतलब हमेशा डराना जरूरी नहीं होता, थोड़ा सा बच्चों को बताया क्यों ना जाए कि कुछ चीजें बहुत अच्छी, बड़ी दिलकश, बड़ी हसीन रही हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी नादिर हैं और नायाब हैं, और हम अमीन हैं उन सब चीजों के कि हम मसख कर दें। तकलीफ होती है जब टेक्सला या कहीं पर जाएं और वहां पर कुछ मूर्तियां देखें तो पता चलता है कि उनको जानबूझ के तोड़ दिया गया है या उनको उनके निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो इन चीजों से तकलीफ होती है। ये हमारा विरसा है और ये हमारी कीमती चीजें हैं जिनको हम बस खराब ही कर रहे हैं, तो इन चीजों से बहरहाल तकलीफ होती है। ठीक, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, अब हमारा वक्त भी हो गया और इसको कंक्लूड करते हैं। आप सबका शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक्सपीरियंस कर लिया हमारे साथ, हम यही कुछ करते हैं, मतलब मैक्सिमम यही होता है जो आज हुआ, तो इसके बाद अगर आप जारी रखना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप ग्रुप में हैं लेकिन अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो इट्स अप टू यू, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि वो आपको इसके लिए कि भी आपको पता चले कि हमारे मेंबर्स क्या सोच रहे हैं ताकि आप अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, सलामत रहें, और यहाँ हम ऑफिशियली इसको क्लोज करते हैं। तो जो दोस्त थोड़ी गपशप के लिए जारी रखना चाहें तो हम मौजूद हैं उसके लिए। का बहुत शुक्रिया आपके इतने अहम और इतने मैं नहीं समझती कि अब कुछ प्लेटफॉर्म्स इस तरह के बचे हैं कि जहां पर आप खुलकर कोई भी बात कर सकें या कुछ भी कह सकें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आप सबके दरमियान बैठकर बात करना और अपने कुछ जाती तजर्बात भी शेयर करना और कुछ दिल की बातें भी करना, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आप सब लोग खुश रहें, सलामत रहें और जारी रहे आपका ये मुकालमे का सफर इसी तरीके से, और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो बेहद शुक्रिया, दिली शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम यही कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा भी यही था कि वो जो जो भी मौजू आपके दिल के करीब है, हम हर किसी को यही कहते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती भी यही है कि अगर इजहार जो आप करना चाहते हैं उस पे गुफ्तगू करें ताकि हम उसको शेयर करें। ठीक है, वी मे नॉट एग्री, वी मे एग्री, वो एक अलग बात है, लेकिन मुकालमा इसी चीज़ का था।
तो ये बहुत शुक्रिया, मुकालमे का थैंक हुस्न यू। है, ये मुकालमे का हुस्न है। आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सनोबर साहिबा का, शमायला साहिबा का, एजाज साहब का, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बिलाल साहब, इमरान साहब, अख्तर साहब, आपका खुद सबका बेहद शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है एक अच्छा हेल्दी मुकालमा, एक सेहतमंद या खुशगवार माहौल में जो ये कंडक्ट हुआ, मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बस मुझे इजाजत दीजिए अगर आप, तो मैं बेहद ममनून खुश होंगी। रहे, थैंक यू, सलाम। थैंक यू।